मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम करेंगे ह्यूमन बॉडी स्केच के पार्ट में आई का स्केच। तो सबसे पहले आपको तीन आँख बताऊंगा, ठीक है? तो वो पहले आप देख लो और इसके बाद उसका भी एक फोटो भी आपको भेजूंगा। तो आई बोल आपको मालूम ही है, आधा आई बोल आँख के अंदर छुपा रहता है, फ्रंट आंख में। तो इतना इतना पार्ट अंदर दबा रहता है। पहले हल्का सा स्केच करके रखो, इसके बाद आई लिड और बाद में आईब्रो। इसका फोटो भी आपको भेजने वाला हूँ, तो उसके अंदर से आपको दूसरी और आंखें बनाने की प्रैक्टिस करनी है। ये नीचे का पार्ट, ठीक है? अभी शेडिंग बाद में करेंगे। तो दूसरी साइड फेस की आंख देखो, साइड में जो आंख होगी तो ये आई बोल कैसे दिखेगा, इस तरह। ये भी अंदर थोड़ा सा छुपा रहता है। और ये जो ये वाला बोल है वो इस तरह से दिखेगा, ओवल शेप में। एक और आंख बता रहा हूँ आपको, थोड़ी सी साइड में रहेगी। वो कैसे आएगी, साइड से थोड़ी थ्री फोर्थ फेस जब बनाते हैं। पहले स्केच नहीं किया था हमने जो स्केच फेस का, तो उसकी आँख कैसे दिखा सकते हैं। तो देखो ये आई बोल भी ऐसे जाएगा। ये आई लिड इसी मुताबिक उसकी आईब्रो, ठीक है? अभी इसका शेडिंग लेते हैं। एक शेडिंग आप देख लो, बाद में फिर आपको फोटो ही भेज देता हूँ, तो उस मुताबिक आपको प्री प्रैक्टिस करनी है। यहाँ पे थोड़ा शेडो इसलिए देना है क्योंकि ये आँख के ऊपर का पार्ट है, तो ऊपर की लाइन में शेडो आता है, फिर ये आईब्रो। तो आईब्रो यहाँ पर डार्क रखना है, यहाँ पे लाइट रहेगी आगे के साइड और पीछे साइड में थोड़ी लाइट। फिर यहाँ थोड़ी राउंडनेस होती है आँख में अंदर और यहाँ भी। समझे? और इसमें इस तरह से आएगा। और ये वाली आंख में उसका मैं फोटो ही दे देता हूँ आपको, लेकिन अब थोड़ा सा देख लो। मतलब समझ में आया कि ये ऊपर की लाइन जो होगी उसके नीचे थोड़ा शेडो देना है। ठीक है? तो
इस तरह से अभी दूसरी आंखों का आपको फोटो भेज रहा हूँ और उसकी प्रैक्टिस आपको करनी है। थैंक यू।